एक छोटा सा चैनल है, अभी अभी स्टार्ट किया है, सपोर्ट की ज़रूरत है, नाम बताना चाहेंगे? इमरान, मेरा नाम इमरान है, मेरी चैनल का नाम है 11DRMC। मैं लगाना चाहता हूँ बहुत वगैरह, तो थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करना यार, लोकल लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे कितना स्ट्रगल होता है आपको भी पता है। तो यहाँ पे आए हैं तो सीड तो दे के जाएंगे, तो भैया को हम लोग दे रहे हैं कटल के सीड, तो इनको लगा देना, देखना ये जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जर्मिनेट है, देखो इसमें तो अंकुर हो चुका है, तो ये अगर लगा देंगे तो आ जाएगा। पॉसिबिलिटी तो थोड़ा कम है यहाँ पे क्लाइमेट की वजह से, बट आ जाएगा। और ऑक्सीजन के लिए पेड़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी है, ऊपर से यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि ये 11,649 फीट हाइट पे है, देखो कितना खतरनाक है यहाँ पे, ये लोग इतना स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल होता है। चलो यहाँ पे सीट देते और एक फोटो भी लेते हैं इनके साथ। मैं अभी आया हूँ मनाली, जैसे कि जितना भी मुझे पॉसिबल हुआ मैंने मनाली ले हाईवे पे भी बीज लगाया, घास के बीज जो थे वो मैंने लगाया है, और ये फिलहाल मनाली और ले का जो मनाली चंडीगढ़ जो हाईवे है ना, उसका ये स्टेटस है, लाइव स्टेटस देख सकते हो। 2-3 टनल खुल चुके हैं यहाँ के ऑलरेडी, लास्ट टाइम जब आया था तो एक भी टनल खुला नहीं था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जाने के लिए, बट इस टाइम ट्रैफिक भी कम है, टनल खुल चुके हैं और आप आ सकते हो। बस मौसम का हाल देख लो, अगर बारिश है, लैंडस्लाइड है बहुत जगह पे होके रखी हुई, तो थोड़ा संभल के आपको आना है। देखो रास्ता ही साला बवासीर है, अपन किधर जा रहे जानो, लॉन्ग ड्राइव पे ऐसे रास्ते है ना, ऐसे ऐसे डायलॉग याद आते हैं। और देखो इतना खूबसूरत सा जंगल है, ये है मनाली मंडी हाईवे, और हाईवे की कंडीशन कुछ इस तरह से है। अभी ये भाई साहब क्या सर्कस कर रहे पता नहीं, अरे गया तो ये देखो, ये HP 68A0285 नंबर का बस है, और देखो कितने घटिया तरीके से ये बस चला रहा है, घाट सेक्शन है फिर भी ज़रा भी, ये देखो 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 कितना चिपका के चला रहा है। तो अगर कोई देख रहा है HP गवर्नमेंट का आदमी, या फिर RTO, या फिर पुलिस, या फिर कोई भी, तो इन जैसे ड्राइवरों पे ना कार्रवाई करनी ज़रूरी है, ऐसे ही लोगों की वजह से ना ट्रैफिक जाम होता है और एक्सीडेंट होते हैं। ये देखो नॉन स्टॉप इतनी फास्ट जा रहा है, और जाके भी ना इतना हॉर्न बज रहा है, कंटिन्यूस ये हॉर्न बजाया जा रहा है, जबकि आगे दिख रहा है कि ट्रैफिक है, फिर भी ये हॉर्न बजा के इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। तो ये देखो मैं पहुंच गया हूँ मंडी, और ये मंडी की ट्रैफिक, यहाँ से रास्ता जो है वो मनाली टू मंडी अभी तो ठीक ही है रास्ता, जैसा आपने देखा बीच बीच में कहीं है जहाँ पे लैंडस्लाइड है, बट वहाँ पे भी रास्ता खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है सुंदर नगर, और सुंदर नगर में ये सुंदर से लोग देखो किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट हाथ में पहन के कौन गाड़ी चलाता है भाई, अरे सर में पहन ले, एक अजीब अजीब लोग मिलते हैं। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा बैड पैच था रास्ते का, अभी ये रास्ता भी ठीक है, देख सकते हो क्लियर है, मस्त एकदम हाईवे चकाचक। तो मनाली चंडीगढ़ जो रोड है वो खुल चुका है अभी। अरे यार बैनर निकल गया अपना, एक्चुअली फट गया है ये, इसको निकालना पड़ेगा। गाइस होप यू ऑल आर डूइंग गुड, देखो कौन आ गया मेरे साथ में फिर से तो अतुल भाई फिर से ज्वाइन हो गए मेरे साथ। अभी हम लोग हैं रोहतक में, और रोहतक से जा रहे हैं हम लोग हनुमानगढ़, आ रहे हैं सर आप ही के घर आ रहे हैं। एक्चुअली मैं जब ले से निकला ना तो मैं कंफ्यूज था कि रास्ता चालू है या बंद है, क्योंकि ले टू मनाली तो रास्ता ठीक है, बट मनाली टू चंडीगढ़ वाला जो रास्ता था ना वो ये था थोड़ा सा, मतलब फ्लड की वजह से अफेक्ट हुआ था। आपने अगर मेरे रील या फिर शॉर्ट देखी होगी तो उसमें पता होगा, बट अब ये रास्ता खुल चुका है, आप जाना चाहते हो
ले तो वाया चंडीगढ़ आप जा सकते हो, और यहाँ से हम लोग जाएंगे वाया राजस्थान गुजरात होते हुए मुंबई। तो ये ट्रिप का लास्ट पड़ाव है और अपने मिशन का ये लास्ट एंड होगा, यहीं पे ख़त्म करेंगे मिशन। चलते हैं, देखो सारे नीम के पेड़ है यहाँ पे, अलग अलग टाइप के हैं। तो ये रास्ते से मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग हैं हरियाणा में, और हरियाणा में ना आपको जगह जगह पे इस तरह के ये दिख जाएंगे हुक्के। यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री है यार हुक्का बनाने वाली, और ये जो छोटा सा हुक्का दिख रहा है ना आपको, ये है 10,000 रुपये का, सोच सकते हो। हुक्का हुक्का मतलब हरियाणा, हुक्का मतलब हरियाणा। हरियाणा की कोई भी गाड़ी दिख जाए ना उसमें आपको हुक्का मिलेगा ही मिलेगा, ये हरियाणा की पहचान है ऐसे समझ लो। हुक्का और तंबाकू भी तंबाकू की फैक्ट्री देखी मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी, अगर आगे दिखे तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी चलते हैं, हम लोग निकले हैं हनुमानगढ़ के लिए। हनुमानगढ़ में कोई हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, अभी ज़्यादा रोकना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, तो चलते हैं। चलो, तो ये है आगे का नज़ारा, रास्ता काफ़ी अच्छा है। ये रोहतक से हम लोग निकले थे। हेलो, बहुत दिन बाद बारिश दिखी है, चलो गाड़ी तो धुल गई उस बहाने। देखो अभी ये कौन सा जगह है यार, एलवी है जिंदल, ये स्टील का है। अच्छा, ये जिंदल स्टील लिमिटेड। अच्छा, तो ये हम लोग हिसार आ चुके हैं, और अतुल भाई कुछ बता रहे हिसार की बारे में, बताओ। तो हिसार का ये है, ये आप देख सकते हो JSL जिंदल स्टील लिमिटेड, जितना भी स्टील है ना वो पूरा, ये पूरा का पूरा शहर जो है वो जिंदल स्टील, जितने भी लोग हैं सब ये जिंदल के ही एम्प्लॉयज हैं, सारा का सारा पूरा हिसार। काफ़ी बड़ा इनका ये फैक्ट्री है यहाँ, देखो इस साइड में भी है, इस साइड में भी है, और जैसे एंट्री किया ना वहाँ से दो तीन है JSL। तो ये देखो ये रहा JSL, ये भी JSL, ये देखो तिरंगा लग रहा है ना, ये सारा कुछ नई नई बातें पता चल रही है। तो अभी हमने खाना खाया है हिसार के बाहर, और अब निकल चुके हैं फिर से रास्ते पे। यह है संगरिया हाईवे, और देखो हाईवे कितना चकाचक है, गजब रोड है यार। और दोनों तरफ ना इस तरह से पैडी फील्ड्स है, धान राइस चावल जो भी आप कहो। ये देखो दूर तक रास्ते के ना ऐसी कैनोपी दिख रही है जो कि बबूल के पेड़ों से बनी हुई है, रास्ता पूरा ढक चुका है ऐसे, कितना खूबसूरत लग रहा है, बबूल और नीम के पेड़ है। अरे वो बग्गी होती, अरे यार ये बताओ ये चीज क्या है, ये बड़ा अजीब सा हमें लग रहा है बग्गी है पर घोड़ा नहीं दिख रहा है, गुगी गुगी। अरे ये तो ट्रैक्टर है भाई, अरे बाप रे, ट्रैक्टर के पहिए। ये पता नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, आपने अगर देखा हो पहले तो बताना, कमेंट करना फटाक से कि ये क्या चीज है, तो क्या बोलते हैं। ये देखो ये छोटा सा रास्ता है और कैनाल बना हुआ है, बहुत बड़ा कैनाल है ये, कौन सा कैनाल होगा ये, इंदिरा कैनाल तो नहीं। ये देखो काफी बड़ा है और पूरा भरा हुआ है। अभी यहाँ से है लगभग 21 किलोमीटर, जो कि आधा घंटा लगेगा यहाँ से जाने के लिए। चलते हैं संगरिया। ये देखो कितना बड़ा है ये नंदी, बाप रे। प्रणाम। अरे देख लिया इनको मैंने। वो है ना आप उस रास्ते आगे, हाँ हाँ। मैं वो पिछला रास्ता था ना वहाँ खड़ा था मैं, उससे भी ज्यादा दूर गया था, 5 किलोमीटर दूर गया। वो आप है ना गांव से होते हैं, वो जैसे ही आप चुटाला से निकले ना, हाँ, गांव से निकले होंगे, हाँ, वो एक सीधा वाली रोड आ गई थी। अच्छा, और आप उधर निकल गए है ना। बारिश भी है ना आपको देख के हुई है, इतने अच्छा बनी हुई थी। हाँ, ये है गोपीराम जी, हमारे मित्र, क्या बोल सकते हो, प्रेरणा स्थान। मैंने आज स्कूल में बताया बच्चों को, मेरे एक दोस्त आएगा बहुत दूर से, कल उनको लेके आऊंगा।
आम के छोटे छोटे हैं ना, नर्सरी तैयार की इतने। अरे बढ़िया, देखो कम से कम 25-30-35 होंगे आम खा के ना बच्चे। हाँ, वो गुठलियां हमने क्या, मेरे को गुठलियां दे दो। देखो क्या तो फिर है ना, एक ही जगह इतनी सी जगह में ना। हाँ, इतनी सी जगह में हमने लगा दी कम से कम 30-35 है। अरे वो आप कल फाड़ के वो लगा देना, वो बढ़िया भी दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर है ना कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर और साइंस और सेंटर, वहाँ पर जैसे पौधों के बारे में रिसर्च होती है। अच्छा, वो भी आपको कल दिखाऊंगा। अभी आप 2-3 दिन मेरे पास ही हो। देखा मेरे पास हो, मैंने सारे प्रोग्राम बना रखे हैं 2-3 दिन के। ऐसे मत करना भी, सुबह जल्दी उठ के भागो या परसों जाओ, ऐसे नहीं। ये देखो फाइनली घर का खाना मिला है, बहुत दिन बाद घर में। बहुत टेस्टी है खाना, घर का खाना घर में, घर का खाना घर में, मज़ा आ रहा है। ये देखिए, थैंक यू सो मच अतिथि देवभव का। अतिथि इतने रात हो गया है और हमारा वेलकम देखो किस तरह से राजस्थान में केक से स्वागत। ये हर बार जब भी आते हैं ना, हर बार इसी तरह से ये सरप्राइज कर देते हैं। ये मतलब टिश्यू पेपर से आंसू आ रहा है। अरे ये अजीब है सच में, अजीब है। इनको समझना मुश्किल है सच में। वेलकम अक्षय कुमार।